तो नाजरीन मेरे साथ इस वक्त होनहार स्टूडेंट जिन्होंने माशाल्लाह से डीपीएस में टॉप किया है, उमर नासर साहब के वालिद जनाब नासर साहब मौजूद हैं। तो नासर साहब, बेटे की कामयाबी पर मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से आज आप बहुत खुश हैं, तो क्या कहेंगे बेटे की कामयाबी पर? पूरे जिले में नाम रोशन कर दिया इसने जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। तो दूसरा जो है ये है कि माशाल्लाह ये जो टीचर्स हैं उनकी मेहरबानी और माशाल्लाह बच्चे की लगन जो है इन सब से मिलके कोशिश की है और अल्लाह ताला ने जो है अपना स्कूल का नाम रोशन करने का इसको एक मौका दिया है। और अब जो है वो नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह इस यही उम्मीद रखते हैं कि वो अपने उस्तादा का और स्कूल का जो है नाम रोशन करे। तो वैसे भी माशाल्लाह जो शौक़ होता है, लगन होता है बच्चों को, तो इसको माशाल्लाह शुरू से ही ये हम तो कारोबारी जो होते हैं जो वालिद होते हैं वो आपको पता है कि वो सुबह निकलते हैं शाम को लेट आना होता है घर में होता है, इसकी माँ का अच्छा किरदार होता है जो घर में इनको टाइम देती हैं। तो वैसे भी माशाल्लाह मेरा बच्चा जो है ना इसको वैसे भी शौक है। मैंने पूरे एग्ज़ाम में इनको कभी भी ये नहीं कहा, एक दफ़ा भी ये नहीं कहा मैंने कि आप टाइम दो पढ़ो, बल्कि मैंने इसको ये ज़रूर कहा कि यार अपनी नींद जो है ना इसको पूरा करो आप, ठीक है ना। आप इस तरह आप जो है डिस्टर्ब हो गए, ठीक है ना। माशाल्लाह बहुत है, उसने इन चीज़ें खुद टेंशन ली है पेपरों की, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है इनको कामयाब करेगा। तो बाकी जो है स्टाफ हैं और टीचर्स हैं उन सब का मैं मशहूर हूँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इनके ऊपर, ठीक है ना। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो स्कूल